देश में चल रहे सफाई अभियान के अंतर्गत प्रदेश पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइंसेज बणी के बच्चों ने नई खोज कर ऐसा डस्टबिन बनाया है जिससे हर प्रकार की बेकार वस्तुओं को घर में ही अलग करके उनको उपयोगी वस्तु बनाने में काम लाया जा सकता है। स्कूल के बच्चे देश में आयोजित हुई प्रतियोगिता में प्रदेश भर में प्रथम आए हैं और अब उनकी बाल वैज्ञानिक आंतरा शर्मा 26 दिसम्बर से 30 दिसम्बर त्रिवेंद्रम में होने वाली प्रतियोगिता और इंदू डोगरा बेंगलुरु में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाली इंडियन साइंस कांग्रेस में भाग लेने जा रही है, जिसमें वे देश को इस नई खोज के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा अब तक प्रयोग में होने वाले हरा नीला व लाल कचरे के डिब्बे के स्थान पर इन्हीं रंगों में एक डिब्बा बनाया है जिसका नाम बदल कर ई मनी बिन रखा है। चेयरमैन प्रदेश पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइंसेज बनी, हमारे बच्चों ने जो सफाई अभियान सारे देश में चला है उसके अंतर्गत एक मॉडल बनाया है जिसका नाम ई मनी बिन रखा है। ये वो डस्टबिन की बजाय मॉडल है जिससे घर में ही एक हमारा उद्योग लगेगा, लघु उद्योग लगेगा और उसमें हर एक घर का एक तो क्लीनिनेस होगी और क्लीनिनेस के साथ इससे जो बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं उससे उनको यूज़ करके ऐसे कंपोस्ट एक खाद बनेगी और खाद कंपोस्ट खाद से जो पॉट्स में हम किसी भी प्रकार के फल फूल और सब्जियां इसमें उगा सकते हैं। हमारा ध्येय यही है इन मॉडल्स को बनाने का और देश को बताने का कि जो डस्टबिन है उसका नाम डस्टबिन ना रखा जाए, इसका नाम ई मनी बन रखा जाए। इसमें हमारे बच्चे इंदू डोगरा ये बेंगलोर में इंडियन साइंस कांग्रेस में जा रही है, दूसरी बेटी अंतरा शर्मा जो बाल विज्ञानी है ये त्रिवेंद्र में 26 से लेके 30 दिसंबर तक अपने सारे देश को इस मॉडल के बारे में बताएगी। इसके ऊपर हम कई सालों से काम कर रहे थे परंतु जो विकल्प है वो काम करते करते जब ये सफाई का पूरा जो देश में भी चला हुआ था विभिन्न प्रकार के डस्टबिन बने हुए थे उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तब इस डस्टबिन को बनाने में हम कामयाब हुए जो एक बड़ा विकल्प है।